Assalamu alaikum, my dear students. My name is Neha Faisal. I am your general knowledge teacher of grade 3. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publisher. Well, students, today we will start chapter number 3. And the name of this chapter is The Sun. First of all, I will discuss students' learning outcome. After completing this chapter, the students will be able to number 1. Identify south and north with respect to east and west, namely south and north. Number 2. Identify that on earth, the direction of sunrise is east and the direction of sunset is west. Number 3. Name places towards north, south, east and west of the school home. Next one is describe the formation of shadows. Recognize that the size and direction of the shadow can be used to estimate guess time. प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने ये कायनात हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत बनाई है. दिन के वक्त सूरज निकलता है जबकि रात के वक्त तारे और चांद निकलता है. अल्लाह ताला ने दिन आराम करने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए बनाया है जबकि रात आराम करने के लिए. अगर हम इसके ऑपोजिट करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का निज़ाम ख़राब हो जाएगा. इसीलिए हमें दिन के वक्त काम जबकि रात के वक्त आराम करना चाहिए. प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट सनलाइट एंड हीट. अगर सूरज ना होता तो हमारी ज़िंदगी का तस्वुर भी ना किया जा सकता क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए सूरज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्यारे बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दिन रात में कैसे तब्दील होता है जबकि मुख्तलिफ मौसम यानी कि समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग ये किस तरह आते हैं. और प्यारे बच्चों, आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में चारों मौसम आते हैं यानी कि मौसम सरमा, गर्मा, बहार और खिजा. नाउ आई विल टॉक अबाउट सनशाइन एंड सनसेट. प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों ने कभी सनराइज या सनसेट देखा है? कभी आप लोगों ने सूरज को निकलते या गरूब होते वक्त देखा है? तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सनराइज. तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि सूरज कहाँ से निकलता है? जी हाँ, सूरज मशरिक से निकलता है. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ सनसेट और मगरिब में गरूब होता है. नाउ आई विल टॉक अबाउट डायरेक्शंस. डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शन एंड व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन? So first of all, I will tell you what is direction. Direction is the path along which something or someone moves. And there are four different type of direction. East, West, North and South. लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये किस तरह पता चलेगा कि East, West, North, South किस तरफ है? तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ. आप लोगों ने मेरे साथ ये ट्राई जरूर करना है. सुबह के वक्त इफ यू आर फेसिंग द राइजिंग सन, इट मींस यू आर फेसिंग द ईस्ट. योर बैक विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट एंड योर राइट हैंड, जबकि आपके राइट हैंड की जानिब साउथ और आपके लेफ्ट हैंड की जानिब नॉर्थ. तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने आज से पहले साया देखा है? कुछ बच्चे साया से डर जाते हैं लेकिन हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि साया हमारा ही होता है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साया किस तरह बनता है? क्या हमारे ही तरह का कोई और भी है? जैसा कि आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, अ ग्रीडी डॉग, जिसमें एक कुत्ता अपना साया देखता था और उसकी वजह से वो अपने गोश्त का टुकड़ा गंवा बैठा. तो कुत्ते ने भी जो अपना देखा वो साया था. तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये साया किस तरह बनता है. अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट. साइज एंड फॉर्मेशन ऑफ शेडो. इन दिस पिक्चर अमजद इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सन एंड हिज शेडो इज कास्ट ऑन द ऑपोजिट साइड. व्हेन द सन
changes its position, the length of the shadow also changes. और प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त हमारा साया लंबा हो जाता है एंड एट नून हमारा साया छोटा हो जाता है। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा कल कि आपका साया किस वक्त बड़ा हो जाता है, किस वक्त छोटा हो जाता है। Now we will do exercise on page number 26. Number 1, answers the following question. Number 1, in which direction does the sun rise daily? तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि sun कहां से निकलता है? Sunrise in the east. And the question number 2 is, in which direction does the sun set daily? Sunset in the west. Question number 3, name different directions. There are 4 different types of directions. East, west, north and south. At what time is the shadow of the object long? तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि किस वक्त हमारा साया लंबा हो जाता है? जी हाँ, in the morning or in the evening. Question number 2, match the shadow with relevant time. Number 1, evening 5 PM. तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि हम किस तस्वीर के साथ इसको मैच करेंगे? इस तस्वीर के साथ। Number 2, noon 12:05 PM. अब प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि अब हम इसको किसके साथ मैच करेंगे? प्यारे बच्चों, इसको हम इसके साथ मैच करेंगे जब अमजद के बिल्कुल पीछे सूरज है। Morning 6 AM. तो प्यारे बच्चों, सेकेंड वाली पिक्चर के साथ अब हम इसको मैच करेंगे। Well students, that is all I have for today. I hope you understand this lecture. Stay tuned until next time. Allah Hafiz.